Okay, now we will discuss about the code implementation of operations on image. So in the first, we will link the our Google Drive with Colab so that we can upload the data set or image from the Google Drive. So for that purpose, we will use from google.colab import drive, or ye import aapki jo drive hogi, aapki jo G drive ya Google Drive jise kehte hain, wahan se aapka data import hota hai. Theek hai, next aapne kya karna hota hai, koi bhi language hai uske andar आप जो उसकी लाइब्रेरीज होती हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज की जिसमें आप कोड करना चाह रहे हो उसमें इंस्टॉल करते हो, अपने सिस्टम में करते हो या उस आईडी के अंदर यूज़ करते हो. तो हम भी इसी तरह गूगल कोलैब के अंदर ये उसका सिंटैक्स है. कोई भी लैंग्वेज अगर आपने पाइथन में पाइथन के अंदर आपने कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन PIP और इंस्टॉल ओपन सीवी पाइथन. नाम पाई बेसिकली न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होती है और ये मतलब प्लॉटिंग की लाइब्रेरी है. बेसिकली आप अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसमें आप प्लॉटिंग की लाइब्रेरीज यूज़ करते हो. अब आपके पास ये आपने ग्राफिकल इमेज, आपकी जो इमेज थी उसको आपने एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया, ठीक है. डायमेंशन इसके अंदर क्या होंगे, आपके विड्थ और हाइट होगी जो ये इन्होंने प्रिंट कर दिया. रिसाइजिंग के केस में आप उसको ओरिजिनल इमेज पहले प्रेजेंट करोगे, फिर उसकी हाफ उसकी, और फिर बिगर इमेज, और इस तरह से उसको करोगे. इंटरपोलेशन नियरेस्ट बेसिकली क्या होता है, इंटरपोलेशन नियरेस्ट मतलब कि आपके जो क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर फेस है तो आपकी चिन से नोज तक और नोज से चिन तक उस चीज़ को वो मैक्सिमाइज कर देते हैं, जूम कर देते हैं. तो नियरेस्ट पॉइंट्स को एम्पलीफाई करके या वो जो पिक्सल्स होते हैं उनको जूम आउट जूम इन करके शो कराता है, डिस्प्ले कराता है. ये एक इसी से रिलेटेड एक मतलब सिंपल एक कोड है पाइथन का. इसके अंदर आपने क्या करना है, रियल टाइम के अंदर नेम इनपुट कराना है, एज, प्रोफेशन, डिग्री एंड इंस्टीट्यूट. सो लेट्स एग्जीक्यूट इट. So first I have to write my name, that is Sher Afghan. After it I will input my age, that is 22, and my profession is a teacher. I have done BScS from UET Texla. So at every statement or execution of every line, there will be a question. For example, enter your name, enter your profession, enter your degree, and I have to write it in at the runtime. Afterwards, there is another assignment tutorial in which I have to input a number, and this program will tell me that what's your grade on the basis of the percentage you have written on the input. So this is let's suppose we have, basically it is the if else implementation, and let's suppose I have write 26. So 26 is here. If your percentage is greater than or equal to 21 and less than 33, so your grade is D. अब बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि आपकी दो परसेंटेजेस हैं, ठीक है, एक आप मैक्सिमम रख रहे हो एक पॉइंट पे और एक मिनिमम. तो अगर 85 से इक्वल है या ग्रेटर है परसेंटेज आपकी, और 100 से लेस है या इक्वल है, तो आप ये आपका लॉजिकल एंड यूज़ हो रहा है. लॉजिकल एंड क्यों यूज़ हो रहा है, लॉजिकल एंड इसलिए यूज़ हो रहा है कि ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू सेटिस्फाई होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर इससे ग्रेटर है 90 या फॉर एग्जाम्पल, तो 90 इज ग्रेटर देन 85 एंड लेस देन 100, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हों तो प्रिंट कर दें योर ग्रेड इज ए. इसी तरह बाकी एल्स इफ हैं, और एट इफ एल्स के केस में हम जो लास्ट पोजिशन पे होता है उसमें ये होता है कि अगर प्रिसीडिंग कोई भी आपका रिकॉर्ड ठीक नहीं आ रहा तो आप लिख दो कि इनवैलिड आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वैल्यू माइनस के अंदर आप अटैम्प्ट करते हो कोई परसेंटेज, तो वो प्रिंट आ जाएगा कि इनवैलिड वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम आपकी जो कंडीशन है वो है कि एटलीस्ट 0 या 0 से ग्रेटर. तो अगर आप कोई माइनस वैल्यू इधर इनपुट करेंगे तो आपका इनवैलिड आ जाएगा. इसके अलावा आपकी ये RGB डिस्प्ले मींस रेड ग्रीन ब्लू डिस्प्ले, और उसको आप कन्वर्ट करते हो ग्रे स्केल इमेज में. ग्रे स्केल बेसिकली आपकी ग्राफिकल इमेज को ग्रे और पिक्सल्स के अंदर ग्रे कलर के अंदर जो है कन्वर्ट कर देता है. उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशंस आ जाते हैं. तो हमारे पास ये दो इमेजेस हैं, ठीक है, ये 1 और ये 2, ये उसका बेसिकली आपके पास है. पहले हमने ये इमेज 1 में CV2 IAM read बेसिकली आपका एक होता है इमेज को रीड करने के लिए फ्रॉम द दिस पाथ, और ये पाथ आप अपनी ड्राइव में से कॉपी करके यहाँ पे लिखते हैं.
इसके अलावा इमेज एडिशन है एक, इसका बिल्ट इन फॉर्मूला है, बिल्ट इन आप फंक्शन कह सकते हैं, उसके अंदर आप बेसिकली वेटेड इमेज जो उसकी जो भी डायमेंशन वगैरह है वो करके तो इस तरह से आप इनको शो कराते हो। और एडिशन में क्या है, जैसे कि स्लाइड्स में भी एक्सप्लेन किया था कि दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं वो आपस में मर्ज हो जाती हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में एक आपके पास स्टार है, दूसरा आपके पास एक डायमंड सिंबल है, तो ये वाला पिक्सल इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इमेज वन में से टू सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। इसके बाद आपके पास बिटवाइज एंड और नॉट ऑपरेटर्स हैं। एंड बेसिकली मल्टीप्लीकेशन होता है, ये आपके पास इमेज वन है और ये टू, सबसे पहले आपने एंड अप्लाई किया। एंड क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो जहाँ पे जीरो मतलब जहाँ पे वाइटर एरिया वहाँ वो ब्लैक पे रिप्लेस हो जाएगा, जहाँ पे ब्लैक इज है वो वाइट पे रिप्लेस होगा। ये इस तरह से यहाँ पे फुल मून था, लेट्स सपोज सर्कल था, ये अब सेमी सर्कल हाफ सर्कल बन जाएगा। और होता है आपका प्लस, इसको जिसको आप प्लस कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, इस तरह से इमेज। एक्सोर आपका एक्सक्लूसिव और होता है डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर, डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर आपका मैक्सिमम आता है, मींस एक जीरो है एक वन, एक ब्लैक है एक वाइट, तो आपका मैक्सिमम आएगा, ठीक है। और अगर आपका वाइट और ब्लैक है उस पर भी मैक्सिमम आएगा, लेकिन दोनों सेम कलर्स हैं, दोनों वाइट पोर्शन नहीं है, दोनों ब्लैक पोर्शन हैं, तो उसके ऊपर आपका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नॉट इमेज। नॉट बेसिकली क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये आपके पास इमेज थी जिसमें राइटर पोर्शन ब्लैक था और लेफ्ट पोर्शन वाइट था, और इसमें क्या था कि मिड में वाइट सर्कल था। अगर इस पर नॉट नॉट बेसिकली सिंपली आप जो भी इनपुट करते हो उसको उल्ट कर देते हैं, तो इसमें क्या हो गया, आपका लेफ्ट पोर्शन ब्लैक हो गया, राइट वाइट, और इसमें आपका पहले में क्या था कि ये वाइट में था और बैकग्राउंड ब्लैक था, लेकिन नॉट अप्लाई करने से बैकग्राउंड वाइट हो गया और सर्कल ब्लैक कलर में आ जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो ये बेसिकली इसकी है ओरिजिनल और रीसाइज, ये आपको देखने में पता चल रहा होगा कि ये इससे इनलार्ज इमेज है। तो इसको किस तरह करते हैं, आप एक इमेज आपने यहाँ पे दी और इस जगह पे आप बेसिकली उसकी हाइट और वेथ को बेसिकली सेंट्रलाइज और क्रॉपिंग कर रहे हैं, क्रॉप करना कि इमेज की आप अकॉर्डिंग टू जितनी आपको रिक्वायर्ड होती है उसमें। और ये बेसिकली इंटरपोलेशन का जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस की थी लॉइन वाली एग्जाम्पल में, ये वाली जिस तरह ये इमेज थी, तो इंटरपोलेशन क्या है कि नियरेस्ट जो पॉइंट्स हैं उनको वो जूम इन करता है, और जिसकी वजह से आपकी इमेज ओवरऑल इमेज इंक्रीज हो जाती है, उसका साइज इनलार्ज हो जाता है।